पर संगम। चांदू सौदागर विश्वकर्मा को बुलाकर मनसा के कहे अनुसार लोहा बांस का घर बनवाता है। बेटा बाला लखिंदर का विवाह कर लोहे बांस के घर में भेज देता है और पहरे में मुक्कनी हाथी, मुगल पठान, बिज्जी घटवार, खोखना बिलाय अनेक सिपाहियों का पहरा लगा देता है। बनिया अपना फर्ज निभाता है और बाला लखिंदर का विवाह कर चंपा चौपाई में आ जाता है तथा लोहे बांस के घर में बाला लखिंदर और बिहुला को भेज देता है। अरे देवा सखी दशरावा हे साहूनी आना ले जे बुलाई रे देवा हालती उबटाना हे साहूनी बाला ले चारो को ना देखे है साहूनी नागा नागा ही भरल रे बाला चारो को ना देखे है साहूनी नागा नागा ही भरल माया देखिए सामने गारती जे लोटावे माया नैना का जगावे देखे थे बाबी सना का जे बिहुला लोहा बांस के घर में चले जाते हैं। देवी मनसा जमकर बारिश करवाती है। भयंकर बारिश से सारे पहरेदार भाग जाते हैं। पहरेदारों के नहीं रहने पर मनसा ने लोहे बांस के घर में विश्वकर्मा द्वारा छोड़े गए सुराख से मनियार नाग को प्रवेश कराती है और बाहर से कहती है, रे नागा जल्दी से तू बाला लखिंदर को काट ले। नागा मणियार चारों ओर पहले घूम कर देख कर बाला के सिरहाने में सोने की कटोरी में दूध देखता है। नागा मणियार उस दूध को पी लेता है। इसके बाद नागा मणियार कहता है कि मैं कैसे बाला लखिंदर को दसूं, मैंने इसका नमक खाया है। बाहर से विषहरी कहती हैं कि तुमने एक दिन इसका दूध पिया और कहते हो इसे कैसे दसूं, तूने तो मेरा सब दिन नमक खाया है, तुम किस घमंड में फूल रहे हो। सवेरा होते ही यदि चांदो सौदागर तुम्हें देखेगा तो मार फेंकेगा।
तुम आखिर किस घमंड में हो? रे नागा मणियाल, जल्दी से बाला को काट ले। लेकिन नागा चुप होकर के बाला के संपूर्ण स्वरूप को और बिहला के स्वरूप को सोए हुए पति पत्नी के रूप में देखता है कि दोनों कितना सुंदर है। नागा मणियार कहता है कि माँ, किस कसूर के कारण इसे काटूं? क्योंकि मुझे भी जवाब देना होगा, बेकसूर बाला लखिंदर को हम कैसे काटेंगे? माता विशहरी कहती हैं, तू उसके बाएं पैर के पास जाकर बैठ और मैं माया से मच्छर छोड़ देती हूँ। जैसे ही वो अपना पैर पटकेगा, वैसे ही तुम उसके बाएं पैर की छोटी उंगली को डस लेना। इतना कहने के बाद नागा मणियार बाएं पैर के नीचे बैठ जाता है। चलवे चलवे रे बाला रे, लोहा बांस के घर रे, बाला जला दी चलवे रे बाला रे, लोहा बांस के घर माया। देवा के वाला खोलिए दे बनिया चांदो सौदा करे, बाला के वाला खोली दिल कई रे दैवारे, चांदो बनिया सौदा कर माया। बाला लोहा बांस के घर रे बनिया रे, केवरा ताहूं जे खोला रे माया, लोहा बांस घर रे दैबा रे, बाला रे पीहू लगाई ले रे, बाला लोहा बांस घर रे दैबा रे, बाला पीहू जला दी चला दे स्वामीनाथ, लोहा बांस के घर माया। आज तेरा रात है लोहारे बांस दे रही बेरे, बाला लोहा बांस के घर है सामीना, आज हो रे रह बै माया। अरे दैबा के बड़ा लगा भई रे दैबा रे, चांदो बनिया सौदा कर रे, बाला के बड़ा लगा भई रे दैबा रे, चांदो बनिया सौदा कर माया। नाग मनियार द्वारा बाला को डसने के बाद वो बिहुला से कहता है कि तुम मुझे गवाह के रूप में रखो, ताकि मैं इंद्र की सभा में कह सकूं कि तुम सब बेकसूर हो और मनसा के कहने पर मैंने बाला को नसा है।
रंज हटाए गे माता गे नागा का दियल धकेल रे भाला रंज हटाए गे माता गे नागा का दियल धकेल माया हरे देवा लोहा बासा घर रे नगारे ऐखा जूठा जे लगारे रे पाला लोहा बासा घर रे नागा ऐखा जूठा जे लगारे माया बाला के सिर हो नारे छेले देवा दूध के राजे कटोरी रे बाला बाला के सिर हो नारे छेले दूध के रोजे कटोरी माया रे नागारे बोला तो जे लगाले रे भाला दूध पीबिए रे नागा बोला तो जे लगाले माया नाटन सवेरे जैबारे बाला लखिंदर रे बाला हम नाटन सवेरे जैबारे बाला लखिंदर माया भाला ऐसन सुंदर बाला रे दैवारे हामा नाही जे डंसावे माया ऐसन सुंदर बाला रे दैवारे हामा नाही जे डंसावे रे बाला दूधवा के सरियत रे दैवारे चांदो काज दियावे मां हरे देवा दूधवा के सरियत रे दैवारे चांदो काज दियावे रे बाला तो तोला गाली है माता मैं ना देवी भी सहारी माया पौना तो को पंखा रे बाला पौना तो को पंखा रे नागा रे तो हराज चढ़ा लो रे बाला कौना तो को पंखा रे नागा रे तो हराज चढ़ा लो माया देखा तो रे नागारे मारी का देखा तो रे भाला चांदवा देखा तो रे नागारे मारी का देखा तो माया अरे देवा बोला तो गाली है माता है मैं ना देवी विसारी रे भाला बोला टोला गाली है माता मैं ना देवी विसारी माया
दी जला दी तंसा दे दी तिंगा दे पाला ला खिंदर दे पाला जला दी तंसा दे दी नागा पाला ला खिंदर माया गोला थारी जाए दे नागा दे काहूं तो जे बैठा दे दे बाला गोरा थारी जाए दे नागा जाई का जे बैठा दे माया आरे देवा मच्छर छोड़ी दल करे देवा रे मैं ना देवी विसारी रे वाला मच्छर छोड़ी दल करे देवा रे मैं ना देवी विसारी माया। चांदू सौदागर बाला की मौत की खबर सुनकर डूम को आदेश देता है कि उसकी लाश को उसर टिक्कर में फेंक दे और बिहुला को अपने घर ले जाए। बेटा के दरा दरे दैबारे तनी को नाही जेला गए छेदे भाला बेटा के दरा दरे दैबारे तनी को नाही जेला गए छे माया। अरे देवा आजू दिन बरे बनिया मछली भात जे खाई तेरे बाला टाबा तो फेंक तेरे देवा बाला के राजिला हास माया। साहूनी बचन रे साहू के बचन है साहूनी राख ले परमान रे बाला खोई जा भारी कौड़ी है साहूनी ताहू बारू रे लिया ले माया। चली जब भेला है साहूनी तेरी तो जे बाजार रे बाला कौन घर छाई रे कई बारे किरो घर माया। आजे देवा गोढ़िया के घर है साहूनी जाई तो जे जुमाली रे बाला गोढ़िया के घर है साहूनी जाई तो जे जुमाली माया। सुनवे सुनवे दे गोढ़िया बचनी दे हमार रे बाला बाला डंस हुआ रे रे दैबा रे लोहा बांस के घर माया। आजो दिन आवा रे गुड़िया रे मछली भात दिखाई तेरे बाला आजो दिन आवा रे छली भात दिखाई ते माया काबा तू फेंका तेरे गोड़िया बाला के राजिला हास रे बाला गोकुल गंगा घाट रे गोड़िया जालवाजे फेंका ले माया। गोकुल गंगा घाट रे गोड़िया रे जालवाजे फेंका ले रे बाला से मापुर के घाट रे गोड़िया मछली कैले टाल माया।
विश्वकर्मा निर्मित लोहे की मंजूषा में बिहुला अपनी गोद में माला लखेंद्र की लाश को लेकर गोकुल गंगा घाट से लेकर नेतुला घाट पर नेतुला धोबिन के पास पहुंचती है और उसे अपनी बातों से अवगत कराती है। गोकुल गंगा घाट दे बनिया दे मां जोसा दे फेकाले दे वाला गोकुल गंगा घाट दे बनिया मां जोसा दे फेकाले माया बनिया रे दियाले जे लगाई रे फाला तुई चारी डांग रे बनिया दियाले जे लगाई माया कहियो नाही डूबै रे दैबा रे माने रतो जे मंजोसा रे वाला कहियो नाही डूबै रे दैबा रे मेरे तो जे मंजोसा माया गोकुल गंगा घाट के पिहुला के आपी छूटा हूँ जे छोड़ा ले दे पाला पहुँची बारू गे ले गे पिहुला से मापुर के घाट माया गोकुल गंगा घाट के पिहुला गे पी छूटा हूँ जे छोड़ा ले दे पाला पहुँची बारू गे ले गे पूरा केरा घाट माया गलंतरी घाट के पिहुला गे गलंतरी घाट के पिहुला रे पिहुला गे बाला तो जे गलालो रे बाला गलंतरी घाट के पिहुला बाला तो जे गलालो माया हारे रे बाप पहुँची बारू के ले गे बिहुला गे ने तुला केरा घाट रे बाला पहुँची बारू के ले गे बिहुला ने तुला केरा घाट माया के मौसी के अम्मा मुरादे भेजा ले रे भाला सुना बे के मौसी अम्मा मुरादे भेजा ले माया
काहू जे लगावे के अम्मा के। इस गाथा को आधार मानकर इस पूरे क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष मेला का आयोजन किया जाता है। इंद्रासन में बिहला शर्त करती है देवलोक से, 7 दिन 7 रात का एक दिन बनता है। बिहला कैलाशपुरी जाती है और भोले बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करती है, तो भोले बाबा कहते हैं कि तुम चिर सौभाग्यवती हो जाओ। इस पर बिहला कहती है, एक विधवा को चिर सौभाग्यवती का आशीर्वाद कैसे दिए महादेव? तो भोला बाबा कहते हैं, यह विधि का विधान है जो मिट नहीं सकता। तुम्हारे पति के प्राण मनसा के पास है, यदि तुम मनसा को प्रसन्न कर देती तो वे तुम्हारे पति को जीवन दान दे देगी। तुम्हें अधूरे नृत्य को पूरा करना होगा। बिहुला स्वर्गलोक में खूब नाचती है और देवलोक को खुश करके आशीर्वाद प्राप्त करती है तथा मनसा से 3 वचन प्राप्त करती है। सबसे पहला वचन मृत पति को जीवन दान, दूसरा वचन हमारे 6 भैंसुर का जीवन दान, तीसरा वचन 56 कौड़ी मल्लाह सोनामुखी जहाज एवं राजपाट का लौट जाना। इस पर मनसा एवं मस्तु कहती है और बिहुला से कहती है कि अगर तुम दोनों वचन दो कि तुम्हारे ससुर हमें पूजा देंगे। बिहुला वचन देती है, तब जाकर मनसा उसके पति को प्राणदान देती है और देवलोक को खुश करके अपने पति के प्राण, 6 भैंसुर के प्राण, 56 कौड़ी मल्लाहों के प्राणदान लेकर चंपा चौपाई नगरी में डोम डोमिन के भेष में आ जाती है और अपने ससुर से बिहुला कहती है कि माँ मनसा को पूजा दे दें। लाख मनाने पर नहीं मानने पर भोला बाबा स्वयं आते हैं और कहते हैं कि चांदो तो मनसा देवी को पूजा दे दो। इस पर चांदो कहता है, आज तक हमने दाएं हाथ से आपकी पूजा की है, इसलिए हम मनसा को बाएं हाथ से पूजा देंगे। इस पर मनसा कहती है, एवं मस्तु। तब जाकर चांदो मनसा को बाएं हाथ से पूजा देता है। चंपा चौपाई नगर आकर अपने ससुर से पूजा दिलाकर फिर बास डोम डोमिन के भेष में जीवित जाने लगती है तो चांदो रोकता है। इस पर भोले बाबा कहते हैं कि यही विधि का विधान है, इसका समय पूरा हो चुका है, तुम इसे जाने दो। तब बाला अपनी पत्नी बिहुला का आंचल पकड़कर जीवित स्वर्गलोक चला जाता है। सारे देवता फूल की वर्षा करते हैं। इस प्रकार अंग जनपद की प्रमुख लोक गाथाओं में सती बिहुला प्रसिद्ध है। यह सत्य कथा है जो बिहार को गौरवान्वित करती है। इस प्रकार इस गाथा की समाप्ति होती है।